साठ की दहाई में अगर एक तरफ नसीम बेगम ने अपनी शानदार फिल्मी गायकी की वजह से शायकीन फिल्म और अहले मौसीकी के दिलों में घर कर लिया था, तो दूसरी तरफ एक और बेमिसल गुलकारा ने भी प्लेबैक गायकी में अपने फ़न का सिक्का जमा। ये गुलकारा माला थी, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में इतने आला नगमात गाए कि आज तक उन्हें बुलाया नहीं जा सका। तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। उन्होंने फिल्मी गीत निगारी के अलावा गजलें भी गाई। माला, जिनका पैदाइशी नाम नसीम नजली था, 9 नवंबर 1939 को लाइलपुर पैसलाबाद में पैदा हुई। उनकी बड़ी बहन शमीम नजली मौसीकार थी और उन्होंने मौसीकी के इसरार और रमोज उनसे सीखे। ये 1961 की बात है, जब मौसीकार गुलाम अहमद चश्ती जी ए चश्ती ने माले की आवाज़ में पंजाबी फिल्म आबरू के दो गीत रिकॉर्ड किए। बाबा चश्ती को कवि उम्मीद थी कि आबरू हिट होने के बाद माला भी गुलकारी के मैदान में अपने कदम जमा लेंगी, लेकिन शोमई किस्मत यह फिल्म बाक्स ऑफिस पर कामयाबी से इमकिनार न हो सकी। माला उस वक्त मायूसी का शिकार थी, लेकिन फिर नाबगैर रोज़गार फिल्म साज अनवर कमाल पाशा ने उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें मशवरा दिया कि वो गुलकारी तर्क न करे। अनवर कमाल पाशा का ये वसफ था कि फिल्मी सनत में नए आने वाले फनकारों की न सिर्फ हौसला अफजाई करते थे बल्कि उनकी सरपरस्ती भी करते थे। उन्होंने कई अदाकारों और अदाकाराओं को मुतारिफ करवाया था। बाद में यही फनकार पाकिस्तानी फिल्मी सनत का असासा साबित हुए। सीनियर तरीन अदाकारा बहार का कहना है कि अनवर कमाल पाशा वो शख्सियत थे जिन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी। नसीम नाजली ने अपना नाम माला रख लिया, इसकी वजह यह थी कि नसीम बेगम के नाम से एक गुलकारा पहले ही मैदान में मौजूद थी। फिर किस्मत ने यावरी की और माला को 1962 में फिल्म सूरजमुखी में ये गीत गाने का मौका मिला, जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस गीत के बोलते आया ए वे को। इस फिल्म की मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब दी थी। इसके बाद 1963 में फिल्म इश्क पर जोर नहीं रिलीज़ हुई, जो ज़बरदस्त कामयाबी से इमकिनार हुई। इस फिल्म में माला ने कतील शफाई का वो यादगार गीत गाया जिसे अमर गीत का दर्जा हासिल है। इस फिल्म की मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन ने दी थी। फिल्म के इस गाने के बोलते दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। इस बेमिसल गीत में साईं अख्तर हुसैन ने भी अपना किरदार अदा किया। यह एक अलमिया गीत था जिसने बिलाशुबा मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह गाना अदाकारा यास्मीन पर पिक्चराइज हुआ था। 1965 में इस गाने पर माला को निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 1965 में पाकिस्तानी फिल्मी सनत की एक यादगार फिल्म नाइला रिलीज़ हुई। यह पाकिस्तान की पहली रंगीन उर्दू फिल्म थी जिसकी कास्ट में संतोष कुमार, शमीम आरा, दर्पण, रागनी और कुमार जैसे फनकार शामिल थे। इस फिल्म की मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन ने मुरतब की थी। इस फिल्म के करीबन सारे नगमात माला ने गाए थे। कतील शफाई और हिमायत अली शायर के गीतों को माला ने इतनी उम्दगी से गाए कि हर तरफ उनके चर्चे होने लगे। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। उनकी आवाज़ का लता मंगेशकर की आवाज़ से तकाबुल किया जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि माला नूरजहां और नसीम बेगम की मौजूदगी में अपनी अलग शनाख्त बना रही थी। नूरजहां और नसीम बेगम की तरह माला ने पंजाबी गीत भी गाए जिनमें बाज बहुत पसंद किए गए। फिर 1966 में वो फिल्म रिलीज़ हुई जिसे पहली पाकिस्तान की प्लैटिनियम जुबली फिल्म करार दिया गया। यह फिल्म अरमान थी। इसके फिल्म साज और हिदायत अदाकार वहीद मुराद थे, जबकि हिदायत परवेज़ मलिक ने दी थी। सुहेल रैना ने इस फिल्म में आला दर्जे की मौसीकी दी और इसके सारे नगमात मकबूल हुए। माला ने इस फिल्म में
जो गीत गाया वो आज तक लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस फिल्म के गाने के बोलते अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। अगरचे इस गीत को अहमद रुश्दी ने भी गाए लेकिन सच्ची बात यह है कि माला का गाया हुआ गीत ज़्यादा मुतासर कुन था। इस गीत के ज़्यादा हिट होने की वजह यह भी थी कि यह फिल्म अरमान के अख्तितामी मनाजिर में पिक्चराइज हुआ था और उसमें ज़ेबा ने बहुत आला किरदार निगारी की थी जिसने शायकीन फिल्म को बहुत मुतासर किया। 1969 में फिल्म अचाना फ्यारदा में उनका गाया हुआ ये गीत आज भी बेहतरीन गीत कहलाता है। ये पंजाबी गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज हुआ था और इसकी एक्सबंदी भी कमाल की थी। इस गीत के बोलते दिलो मन लई तेरी बन गई। इसके साथ साथ उनकी फिल्म शरीक हयात भी रिलीज़ हुई जिसके गीतों ने हर तरफ धूम मचा दी। इसमें माला का गाया हुआ एक गीत किसे आवाज़ दूँ तेरे सेवा बहुत मकबूल हुआ। यह गीत अदाकारा शबनम पर पिक्चराइज हुआ था। शरीक हयात की कामयाबी में इस गीत ने भी अहम किरदार अदा किया। 1970 में अदाकार और फिल्म साज रंगीला की फिल्म रंगीला ने अदीम उन नज़ीर कामयाबी हासिल की। इस फिल्म में माला ने एक अलमिया क्लब सॉन्ग गाया जिसे लाजवाल शोहरत हासिल हुई। इस अलमिया गीत के बोलते किसने तोड़ा है दिल हुजूर का। कमाल अहमद की असरंगेज़ मौसीकी में माला ने अपनी आवाज़ का वो जादू जगाया जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद रोना लैला मैदान में आ गई। यही से माला का जवाल शुरू हुआ। रोना लैला ने बहुत शानदार उर्दू और पंजाबी गीत गाने शुरू कर दिए। नसीम बेगम का भी जवाल शुरू हो चुका था। अलबत्त नूरजहान ने अपनी फ़नी अजमत बरकरार रखी। माला 1962 से 1972 तक बेशुमार उर्दू और पंजाबी नगमात गाए।